उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट उन तमाम स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो 2024 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेपर उत्तराखंड स्टेट के लिए देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सिलेबस है और साथ ही साथ कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, प्रिपरेशन है, अपडेट है, काफ़ी चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताने वाला स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, आपका ही बेनिफिट आगामी दिनों में रहने वाला है। और ध्यान देना स्टूडेंट, आपको अपडेट विद नब्बू के अलावा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एनएम हो, पैरामेडिकल का हो, अपडेट प्रोवाइड नहीं करता है। चाहे तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मुझे 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो आपका ही बेनिफिट होगा स्टूडेंट आगामी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फॉर्म है स्टूडेंट आपको मई फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपका पेपर है वो जून के माह में आपको देखने को मिलेगा 2024 में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस से पहले मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। आपने 2024 में इस बार 12th का पेपर दिया है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट, मैंने शुरू में कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अभी से प्रिपरेशन करने हैं क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि जस्ट मई में आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, आपकी जो परसेंटेज है मिनिमम 45% आपके 12th में होने चाहिए। 12th साइंस वाले स्टूडेंट ही बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो अदर स्टेट वाले हैं वो इस फॉर्म को तभी फिल कर सकते हैं अगर उन्होंने 10+2 उत्तराखंड स्टेट से ही किया है, देन वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, कैटेगरीज वाइज वेटेज मिलता है, वो भी मैं आने वाले दिनों में उसके रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग ध्यान देने स्टूडेंट, जो पेपर पैटर्न है आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है स्टूडेंट। पेपर पैटर्न से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है कि मेरे को 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है और अपडेट विद नब्बू के लिए आपको HNB UMU आपका ये पेपर कंडक्ट कराता है, उसका एक्सपीरियंस आपको अपडेट विद नब्बू के द्वारा आपको हर अपडेट प्रोवाइड होता है, चाहे वो पेपर का हो, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे वो एडमिशन का हो। और ध्यान देना स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में 2 साल से पहले मैंने ग्रुप बनाया, इस साल भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ऑलरेडी बच्चे मेरे साथ ऐड हो चुके हैं स्टूडेंट, आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किए, आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट उसका लाइव प्रूफ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, जीएनएम का हो, एनएम का हो, पैरामेडिकल का हो। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ PYQ बेस पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यही चीज़ें करें स्टूडेंट, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नॉर्मली आपको उस पर मैसेज करना है। ग्रुप शुल्क मात्र 99 स्टूडेंट, जो आपको सिर्फ एक बार पे करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहने वाली है। अपडेट आपको काफ़ी प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट, स्कॉलरशिप जो मिलती है चाहे वो LIC की तरफ से हो, NSP की तरफ से हो, वो भी अपडेट आपको प्रोवाइड होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सिलेबस में ध्यान देना स्टूडेंट, 20 नंबर की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, 20 नंबर की फिजिक्स और 20 नंबर का आपके यहाँ पे बायोलॉजी के पोर्शन 11th और 12th का आपका पूछे जाने वाला है, और 20 नंबर के आपके पास जनरल इंग्लिश एंड 20 नंबर का आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले स्टूडेंट। टोटल 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे पेपर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेगा स्टूडेंट, 10th का रिजल्ट, तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो 12th, तो 12th से रिलेटेड ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपका 12th अपेयरिंग में जैसे कि आपका रिजल्ट तब तक के लिए आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि अप्रैल तक में भी सबका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल लास्ट तक अगर आपका रिजल्ट वहाँ पे आ जाता है देन आपको वहाँ पे 12th का रोल नंबर और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इन केस अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर वहाँ पे मेंशन करना होता है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान देना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट उत्तराखंड स्टेट से है उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी मैंने बता दिया अदर स्टेट के लिए क्या कंडीशन है, उन वो अदर स्टेट वाले हुई स्टूडेंट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 या 10th उत्तराखंड स्टेट से किया है, चाहे वो CBSE से हो, चाहे वो उत्तराखंड स्टेट बोर्ड से हो। कंडीशन ये होनी चाहिए आपका उत्तराखंड स्टेट से आपका 12th होना चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है स्टूडेंट, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका OBC हो, SC हो, ST हो, वो सर्टिफिकेट आपका अपलोड होता है स्टूडेंट। अगर आपका OBC वाला सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है स्टूडेंट, तो OBC वाला सर्टिफिकेट आप अपडेट कर देना। ध्यान देना स्टूडेंट, OBC जो उत्तराखंड स्टेट वाला रहता है इसकी जो वैलिडिटी यहाँ पे 3 साल तक रहने वाली है,
बाकी आपका SC ST के लिए कोई भी वैलिडिटी यहाँ पे नहीं रहती स्टूडेंट, इस चीज का आप ध्यान रखना। और EWS के लिए भी वैलिडिटी यहाँ पे रहती है स्टूडेंट, तो ये आप जरूर अपलोड कर लेने स्टूडेंट, अपडेट कर देने स्टूडेंट, अभी आपके पास टाइम है। और ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आप अभी अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, हो कैटेगरी उनकी OBC या EWS रहती है, गलती से जनरल भर लेते हैं, बाद में कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जनरल कैंडिडेट को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना होता स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपना अपडेट कर लेना, इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड भी अपडेट कर सकते स्टूडेंट, जिसमें आप अपनी फोटो अपडेट जरूर करनी स्टूडेंट, और अपना मोबाइल नंबर है वो भी आपको इसमें लिंक करना है स्टूडेंट, चीज़ का आप ध्यान रखना। अनदर क्वेरी आपकी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ग्रुप में जुड़ना मत भूलना स्टूडेंट, आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।